माड़े बंदे रिकमेंड कर सकता डी आई जी साहब उत्थे आइए उत्थों का केस उसका रिकमेंड हो इन्हें प्रोग्राम बनाए दा कि अस कुदा फैक्ट्री बिच लुआई देगे उन्हें जिथे मर्जी लाओ फैक्ट्री च लाओ घर लाओ जिथे मर्जी लाओ सू बस लेकिन सारे को फाइल जी है इन्हें दिनों के रिकमेंड होनी चाहिए ठीक है असें सरकारी नौकरी के बगैर सानू कोई भी असें फैक्ट्री बूटी थोड़े धक्के कर लेंगे जाने के बाद कोई और धक्के कटी मार जी दिमाग की गल है जी रही है पैसे फाइनैंशली इनकी मदद देने वास्ते फाइनैंशली मदद वास्ते भी इन्हें आख्या भी जियां मर्जी करो ये केस जरा हो गरीब बच्ची है जिन्ना चेर थोड़ा केस नहीं सॉल्व होता उसके वास्ते असें इसकी जो रोटी पानी का घेर घोल करेगा 10-13 दिन तेन घर बहना उसके वास्ते उन्हें मनिया कि अस अपने को पैसे फाइनैंशली भी जो पैसे ने 2 दिन के अस पैसे भी दे देंगे जो भी कट्ठा सारा महकमे तौर पर करा वेलफेयर सेंटर होंगे ना वो माध्यम कने करा नंबर त्रीआ सारा डिमांड ही कि मजिस्ट्रेट पुलिस इनकुआरी जी तुम कराओ नहीं कराओ सू नहीं वास्ता है एक मजिस्ट्रेट की सदारत में इनकुआरी करवानी है क्योंकि उत्थे जो कुछ होया ये मरिया कियाँ उसकी इनकुआरी कौन कौन बंदा इनवॉल्व है कौन कौन बंदा उस था मौके पर और उन्हें कियाँ यदि डैथ हुई है ये त्रै मुद्दे अस फाइनल करिए सरपंच साहब होते हैं कल का मेरे आने का मकसद इे हा कि क्योंकि ये लोग साढ़े जिन्हें ना कला के इे बनाए महाराज फैक्ट्री लाई उन्हें फलाने लाए उन्हें ये जिन्हें भी बैठे डी एस पी साहब उत्थे बैठे थे सारे मैं उन्हें इक्के गल आखी मैं सानू कोई कुछ करने वास्ता नहीं है सानू सिर्फ वास्ता है कि इस कुड़ी जी है अजय नी 35 कुछ ने भी आखिया महाराज नी उम्र हुई मैं कोई गल नहीं है साड़ी अजय 35 उम्र नहीं हुई जी अजय 35 साल की 40 साल के बाद अगर साढ़े वास्ते बाहर होंगे कि नहीं लगी सकती 18 साल की अजय बच्ची है 2 साल का मैं खुद देख के आया हूँ फिर यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे कल से हमें लोगों ने बार बार यही कह रहे थे कि हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे बताइए चाहिए क्या किस चीज़ के लिए क्योंकि मैं तो मुलाजिम हूँ इस बच्ची का जो मर गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते ना पुलिस ला सकती है ना ये शोर शराबा करने वाले हमें चाहिए कि जो फैमिली है वो उसका पुनर्वास क्या होगा
हमने बिल्कुल प्रोग्राम बनाया था पुलिस के एसएसपी साहब का, हम तो मैं तो शुक्रिया ही अदा करूँगा उन्होंने, डीएसपी साहब ने बीच में थोड़ा कल से हमारा रबता बना हुआ था, कल से हमारे डीडीसी और ये हमारे सरपंच साहब जो सोनू जी हैं वहाँ सदके चक के, उन्होंने बैठ करके हमने पुलिस पर इतना दबाव बनाया था कि एक तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसकी इंक्वायरी हुई। अब हम वहाँ बैठे थे, अभी डीसी से आर्डर को आके निकले हैं कि वहाँ तहसीलदार अपॉइंट कर दिया, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद पुलिस इंक्वायरी होगी जिसका एएसपी साहब एडिशनल एसपी साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे, जो गफलत जिसकी गफलत होगी उसको सजा जबरदस्त सजा दिलवाई जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि हमने ये पॉइंट रखा, हमारे सरपंच साहब या बाकी जो वहाँ के मौजूद आदमी थे उन्होंने पॉइंट रखा कि इन बच्चों का क्या होगा, तो हमने जो बच्चे पढ़ने वाले थे हमने उनका मुद्दा रखा, उन्होंने कहा जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे पुलिस अपने तरीके से इसका पूरा खर्चा जो है वो हम उठाएंगे, उसका जो भी कल से हम सारा बंदोबस्त कर देंगे और बच्चों को एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया इनकी, तब तक सबसे बड़ा जरूरी था कि इस लड़की जो रह गई है इसका पुनर्वास के लिए कोई सरकारी नौकरी के लिए, यहाँ लोगों ने क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, उन लोगों ने यह फैसला किया था कि इसको किसी फैक्ट्री में लगवा देते हैं, पुलिस वाले भी ये क्योंकि इजी जॉब है। मैंने कहा नहीं, आज हम एसपी साहब के पास, डीआईजी साहब भी वहाँ आए हैं, हमने कहा कि इसको एसपीओ की नौकरी, आपके पास और परमानेंट तो नहीं आप कर सकते, एसपीओ की नौकरी दे सकते हैं क्योंकि इसकी उम्र जो है वो अभी नौकरी करने के काबिल है, वो बच्ची देखने में तो बहुत ही कम है लेकिन 35 साल उसकी, तो 40 साल तक एक शेड्यूल कास्ट वर्ग का आदमी जो है वो नौकरी कर सकता है, तो उसके लिए वो मान गए हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ, ये तो आप लोग भी मीडिया वाले सारे जानते हैं जो कानून को जानते हैं कि एसपी के हाथ में एसपी को लगाना, एसपीओ को लगाना उनके पावर में नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर सकता है, डीआईजी साहब भी वहाँ आए रिकमेंड करके, कल ही उन्होंने कहा है, उधर बहुत सारे लोग थे, सरपंच साहब भी थे, बाकी उनके साथ सदके चक के कुछ लोग हर बरादरी से गए थे, सिख बरादरी के थे, गुजर बरादरी, बाकी लोग भी थे, तो हमने उनसे ये चार पांच चीज़ें जो थी वो सारी एग्री करवाई हैं और उन्हें आश्वासन दिया है। हमने उनको ये भी कह दिया कि सर ये नहीं सोचना कि हमने कोई आपसे बैठ करके कोई बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस फैमिली का पुनर्वास हो, वो आपने टाइमली एक्शन लेकर के जो चौकी अफसर क्या उसको लाइन हाजिर कर दिया है, जो वहाँ का मुंशी है, जो मेन कल्प्रेट है वहाँ, उसको सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट कर दिया उसको भी, ताकि लोगों को इबरत जाए कि ये इस तरह की लापरवाही करके हो सकता क्या होना, अभी तो प्री मैच्योर हम कुछ नहीं कह सकते, कल इंक्वायरी में पता चलेगा। उसके बाद वहाँ एक जो ड्यूटी पे था, हमें तो ये हैरानगी हुई कि एक आदमी 37-24 घंटे उनकी देखभाल के लिए होता है, ये 2 घंटे में वो कहाँ रहे, सोए रहे। मैम किस तरह की मांग करते हैं, अभी आप एसएसपी सर के पास गए थे, क्या बात हुई उनके साथ? सर जी मैं अपना इंसाफ मांग रही हूँ अपने बच्चों के लिए और कुछ नहीं मांग रही हूँ। क्या एसएसपी सर ने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया? सर टीचर करो यार, क्या लगता है कि ये कस्टोडियल डेथ है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? सर जी मुझे कोई कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। मुझे सिर्फ अपना इंसाफ चाहिए बस सर, और कुछ नहीं चाहिए। क्या मांग करते हैं आप, क्या इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं? मेरे बच्चों के लिए रखवाली कोई नहीं है। रिटर्न जी कुछ नहीं भैया, कुछ रिटर्न नहीं है, खाली बोले ही है, बोल लेते हैं पहले, कल ही था, कल फाइल लिया होगा। आप सहमत हो जो आपको आज आश्वासन मिला है, सहमत हो आप? सारे आखा देते हैं सहमत ही, देखते हैं कल कोई नौकरी आते फिर ठीक करके थोड़ा एक्शन। फिर वे हम अपने मजोत्रा जी ने आखे हूँ उन्होंने को जाने पड़ा, फिर उन्हें ले जिम्मेवारी हूँ देखने, मजोत्रा साहब और डीसी इन्हें ले जिम्मेवारी, इन्हें जिम्मेवारी लेने देखने हूँ।